अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम फेस की वीनस ट्रेनेस का टॉपिक कर रहे हैं। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम फेशियल वीन की जो है ना फार्मेशन और उसकी जो है ना ट्रिब्यूटरीज वगैरह करेंगे। तो ये वाली जो वीन है इसे हम कहते हैं क्या, सुप्रा ट्रोक्लियर वीन। क्लियर वेन। और जो ये वाली वेन है इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास सुप्रा और वाइटल वेन। सुप्रा और वाइटल वेन, सुप्रा ट्रोक्लियर एंड सुप्रा और वाइटल वेन्स, ये दोनों मिलकर हमारे पास ये वाली वेन बनाती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेन। एंगुलर वेन, ठीक है। अब एंगुलर वेन जो है ना कंटिन्यू होती है एज एंटीरियर फेशियल वेन। किसमें कंटिन्यू होती है, एंटीरियर फेशियल वेन में, ठीक है। अब एंटीरियर फेशियल वेन वेन जो है ना, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट तो इसमें होता है वेल्व लेस वेन होती है। क्या, वेल्व लेस वेन होती है, ठीक है। इसमें कोई वेल्व नहीं होता है। अब इसकी जो है ना क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो पहले इसकी ट्रिब्यूटरीज कर लेते हैं। जो एंटीरियर फेशियल वेन है इसकी ट्रिब्यूटरीज होती है मेन जो है ना, जो आर्टरीज थी ना, आर्टरीज थी फेशियल आर्टरी की जो ब्रांचेस थी, सेम वही है। ये एक तो हमारे पास लेटरल नेजल वेन होगी, क्या, लेटरल नेजल वेन एंड सुपीरियर लेबियल वेन एंड इंफीरियर लेबियल वेन, ठीक है। ये सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं किसकी, एंटीरियर फेशियल की। कभी कभार जो है ना इसमें से एमसीक्यू या फिर जो है ना ऑस्पीज में जो है ना सवाल आ जाता है कि नेम द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द फेशियल वेन, ठीक है। अच्छा, ये हो गई। अच्छा, तो जो फेशियल वेन है ना, अच्छा उसके बाद जो है ना एंटीरियर फेशियल वेन, चलो वो मैं बाद में बताऊँ, पहले ये कर लेते हैं। फेशियल वेन कनेक्टेड होती है आपके साथ इस स्ट्रक्चर के साथ वाया इस वेन। अब ये स्ट्रक्चर है हमारे पास क्या, केवर्नस साइनस। केवर्नस साइनस, ठीक है। अब फेशियल वेन कनेक्टेड होती है किसके साथ, केवर्नस साइनस के साथ एक वेन के थ्रू। उस वेन को हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर ऑप्थैल्मिक वेन, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई, सुपीरियर ऑप्थैल्मिक वेन। ये एमसीक्यू जरूर आता ही आता है, ठीक है। ये एमसीक्यू हर बार आता है, ठीक है, कि केवर्नस साइनस से जो है ना किस वेन के थ्रू कनेक्टेड हो रही है फेशियल वेन। अच्छा, एक और जो है ना, ये तो डायरेक्ट कनेक्शन था ना इसके साथ, एक इनडायरेक्ट भी होता है। अब देखो, फेशियल वेन यहाँ पर कनेक्टेड है इस स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। स्ट्रक्चर नहीं, कोई भी वीन, वीनस प्लेक्सस है, ठीक है। अब ये वीन हमारे पास इसे हम बोलते हैं क्या, डीप वेन्स। ये होती है डीप वेन, ठीक है। अब डीप वेन कनेक्टेड होती है किसके साथ, टेरिकॉइड वीनस प्लेक्सस। ये हमारे पास क्या है, टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस। ये आ गया हमारे पास टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस। एंड टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस हमारे पास कनेक्टेड होता है विद केवर्नस साइनस वाया दिस वेन। इसे हम क्या बोलते हैं, स्फिनोइडल इमीजरी वेन। इसे हम क्या बोलते हैं, स्फिनोइडल मिजरी वेन। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा जी, अब फेशियल वेन तो हमने कर ली। और अच्छा, ये देख रहे हो, ये दोनों जो है ना एक वीन से जो मिलकर जो है ना एक वीन बनाती हैं, मिलके नहीं लेकिन
ये इसकी ट्रिब्यूटीज होती हैं वो हम अभी नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारा मेन पॉइंट है वो कर रहे हैं। अब देखो ये जो वेन है इसे हम क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। क्या सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, और जो ये वाली है ये हमारे पास क्या है, मैक्सिलरी वेन। ये हमारे पास क्या है, मैक्सिलरी। अब देखो सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी मिलकर ये वाली वेन बना रहे हैं, ये वाली। इस वेन को जो है ना आप क्या कहते हैं, रिट्रो मैंडिबुलर वेन। रिट्रो मैंडिबुलर वेन का जो है ना हर दफे क्वेश्चन आता ही आता है, हर दफा क्वेश्चन आता है कि ये कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। अब रिट्रो मैंडिबुलर जो है ना आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच। इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, एंटीरियर ब्रांच। क्या एंटीरियर ब्रांच, और ये वाली क्या है हमारे पास, पोस्टीरियर ब्रांच। अब एंटीरियर ब्रांच इस वेन से, एंटीरियर फेशियल से मिलकर एक वेन बनाएगी जिसे हम क्या कहेंगे, कॉमन फेशियल वेन। एंटीरियर ब्रांच एंड एंटीरियर फेशियल वेन मिलकर क्या बनाएंगे, कॉमन फेशियल वेन। पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ रिट्रोमेंडिबुलर वेन इस वेन से मिलेगी, ये वाली जो वेन है ना ये, इससे मिलेगी और एक्सटर्नल जुगुलर वेन बनाएगी। अब ये वेन कौन सी है हमारे पास, पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन। पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन एंड पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ रिट्रोमेंडिबुलर वेन मिलकर क्या बनाएंगे हमारे पास, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरे प्रॉफ में आया था, ठीक है। अच्छा एंटीरियर ब्रांच और जो है ना एंटीरियर ब्रांच ऑफ रिट्रोमेंडिबुलर वेन और जो है ना एंटीरियर फेशियल वेन जो है ना मिलकर क्या बनाएंगी, इंटरनल ओ सॉरी कॉमन फेशियल वेन। एंड कॉमन फेशियल वेन किस में ड्रेन होगी, इन टू द इंटरनल जुगुलर वेन। अच्छा इंटरनल जुगुलर वेन ड्रेन कर दिए इन टू द ब्रेकियोसेफेलिक वेन, एंड जो एक्सटर्नल जुगुलर है वो ड्रेन कर दिए इन टू द सबक्लेवियन वेन। हाँ तो अब जो है ना हम इसके क्लिनिकल पर आते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला था कि ये जो है ना वेल्वलेस वेन होती है, तो कोई भी थ्रोम्बस या फिर एम्बोलाई जो है ना इजीली फेशियल वेन से जो है ना केवर्नस साइनस में जा सकता है, ठीक है। लेट सपोज ये कोई भी थ्रोम्बस है, या फिर यहाँ से ले लो, यहाँ से गया केवर्नस साइनस में आ गया, ठीक है। अब केवर्नस साइनस के जो है ना आपको कंटेंट पता होंगे, इसके जो कंटेंट हैं, थर्ड ग्रेनल नर्व होती है, फोर्थ होती है, सिक्स होती है, हमारे पास मैक्सिलरी होती है, एंड जो है ना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी थ्रोम्बस आ गया इसमें तो ये थ्रोम्बस इन चीज़ों को इरीटेट करेगा, और जब ये थ्रोम्बस इनको इरीटेट करेगा तो वो जो है ना कॉम्प्लिकेशन हमारे पास आ जाएंगी। अब थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व, सिक्स नर्व, ये हमारे पास ऑक्यूलाई मसल्स के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है। थर्ड नर्व जो है ना हमारे फोर्थ नर्व हमारे पास सुपीरियर ओब्लिक को सप्लाई करती है, और सिक्स नर्व हमारे पास जो है ना लेटरल रेक्टस को सप्लाई करती है, और जो थर्ड नर्व है वो आपके पास मीडियल रेक्टस हो गया, इन्फीरियर ओब्लिक हो गया, सुपीरियर रेक्टस हो गया, इन्फीरियर रेक्टस एंड लेवेटर पल्पेब्री सुपीरियरिस इनको सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी, और इंटरनल कैरोटिड को जो है ना ये रेडिएट करेगा, एंड ग्रेनियल नर्व V2 मैक्सिलरी को जब ये करेगा तो वही कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी, ठीक है।